Disclaimer: This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt anyone, and don't take it seriously. भैया मैंने सब कुछ बना के देख लिया। एक मिनट रुक जा। भैया मत बोल। आप जो बोल रहे ना अच्छा कंटेंट बनाओ। अच्छा मेरे को ये बताइए जो स्टार्टिंग में मैंने साइकोलॉजी पढ़ाई थी क्या वो अच्छा नहीं था? उस पे क्यों नहीं आए व्यूज? क्योंकि तुझे पढ़ाना नहीं आता। सबसे पहली चीज तो तुझे हिंदी लिखनी नहीं आती है। दूसरी चीज पे चलते हैं जो की है आकांक्षा। नहीं गूगल ही कर लेती है एक बार, देख किस तरीके से लिखते हैं आकांक्षा। और उसके बाद ये इंग्लिश देख लो इसकी। अब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हमारे हम ए लगाते हैं। मैडम जी कॉन्सोनेंट पढ़ा रही है और कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग नहीं आती है इनको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई आप चैनल के नाम की तरफ ध्यान दीजिए। उज्जवल सर के चैनल का नाम है टेक्नो गेमर्स। नहीं भैया टेक्नो गेमर्स तो इनने सही से लिख लिया, उसको करिए एक्सपोज। उसके नीचे लिखा है इन्होंने फ्रॉड। फ्रॉड की स्पेलिंग जरा चेक करना। मैडम जी अभी कहते हैं किसी को फ्रॉड कहने से पहले फ्रॉड की स्पेलिंग सीख लेनी चाहिए। अब मैंने जितनी भी वीडियोस टेक्नो गेमर्स के लिए बनाई है मुझे पता नहीं है कि वो नंबर्स में कितनी है, मैंने डेफिनेटली गिनी नहीं है, लेकिन हाँ मैंने कुछ वीडियोस उनके लिए बना रखी। एक बार भाई तुम लोग इसके चैनल पे वीडियोस देखो जरा। नहीं यार एक नॉर्मल लड़की का डेली रूटीन क्या होता होगा सोचो। उठना, खाना पीना, मेकअप, सोना मोना, रोना धोना और फिर सो जाना। लेकिन भाई इसका शर्त के साथ बता सकता हूँ इसका डेली रूटीन क्या होगा। उठना, व्हाइट बोर्ड बैकग्राउंड में रखना, उस पे लिखना कि आज उज्जवल ने मेरे को प्रपोज किया, आज उज्जवल मेरे को घोड़ी बनाएगा, अरे सॉरी घोड़ी तो वो परसों ही बना चुका है, आज उज्जवल मेरे को मारने की धमकी देगा। नहीं मतलब अखंड चूतिया पा, इसकी जिंदगी बस व्हाइट बोर्ड से शुरू और व्हाइट बोर्ड पे ही खत्म है। नहीं भाई मैं तो यही कह रहा था, मेरा तो मकसद ही यही था, पिछले 4 महीने से गांड क्यों घिस रहा हूं मैं, ताकि लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर सकूं। यहाँ पे थोड़ा सार्केज्म के साथ ये कुछ कैरिमिनाटी बोलना चाहते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि इनके अंदर थोड़ा भी सार्केज्म है। ये बस गालियां देके जोक्स मार सकते हैं और उसमें ही लोग हंस सकते हैं। सार्केज्म नहीं है इनमें, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो यही बोलूंगी मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर जरा भी सार्केज्म। हाँ सारा सार्केज्म तेरे ही पास तो है, डॉक्टरों ने सिरिंज में सार्केज्म भर के तेरे पिछवाड़े में इंजेक्शन जो लगाए थे। नहीं तू कोई नॉर्मल लड़की थोड़ी ना है, तू ही तो हो रही है सार्केज्म की देवी, तेरी तो पूजा होनी चाहिए, तुझे ही तो होना चाहिए एशिया का नंबर वन यूट्यूबर। नहीं एशिया की ऑडियंस तो पागल है ना जो कैरिमिनाटी को एशिया का नंबर वन यूट्यूबर बना रखा है और उसमें सार्केज्म नहीं है फिर भी। और जो तेरी वीडियो पे लोग कमेंट कर रहे हैं ना इस तरीके के, इसे सीरियसली मत ले, ये है असली सार्केज्म जिसको तू हकीकत मान बैठी है। उठ जा सपने में से, उठ जा पागल लड़की। आशीष चंचलानी अपना चैनल डिलीट कर दो। पता नहीं उन्होंने अपना चैनल अब तक डिलीट क्यों नहीं किया है। अगर कोई बोल रहा है तो अपना चैनल डिलीट कर दो ना यार। अगर मैं बोल रही हूँ कि अपना चैनल डिलीट करो तो करो ना। मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही अपना चैनल डिलीट करने के लिए करो। मेरे समझ में नहीं आ रही इतना कोई कैसे हक सकता। एक पल को लूज मोशन वाले बंदे की भी टट्टी बंद हो जाएगी लेकिन इसके मुंह से हगना बंद नहीं होगा। चाहे तुम इसके मुंह पे कपड़ा गुजर दो, चाहे इसको ढेर सारी दवाई खिला दो, लेकिन ये हगना बंद नहीं करेगी। और दूसरी चीज अगर तेरे हिसाब से चला जाए तो लोग जो बोलते वो करना चाहिए, तो जो तेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं तू वो क्यों नहीं करती है। अगला ये राहुल ही फिर से लिखते हैं कैरिमिनाटी। आगे तो आप देख सकते हैं इन्होंने क्या ही लिखा है। तो बेटा जी जाके कैरी मिनाटी से करवा क्यों नहीं लेती हो। और हाँ कैरी मिनाटी भाई मन में लड्डू फूटा अच्छी लंड मेरा। तो भाई वीडियो आगे ले जाने से पहले मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कूल एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है 24 क्लब। तो यार ये मैंने देखा था कि मेरे दोस्त लोग ना आजकल खूब पैसों की शो ऑफ कर रहे थे। तो किससे कमा रहे थे मैंने देखा, जबकि इस एप्लीकेशन से कमा रहे तो इसको मैंने तुरंत डाउनलोड कर लिया। और यार सबसे मेन चीज इसको अपने फ्रेंड को रेफर करते ना तो भी तुम अर्न कर सकते हो और साथ ही साथ इसमें गेम खेल के भी पैसा कमा सकते हो। और सबसे सिंपल इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसमें अपना फोन नंबर डालना और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का पासवर्ड बना लेना। और अर्न करने के साथ ही साथ तुम इसमें लाइव गेम भी देख सकते हो जैसे क्रिकेट, तीन पत्ती, रमी, बास्केटबॉल और भी बहुत सारे। और यार इसका इंटरफेस बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे मैंने भी काफी रुपए कमा चुका हूँ। और यार यहाँ पे हम लोग को बोनस बहुत मिल जाता है, जैसे अगर 500 रुपए डालोगे तो 500 रुपए तुम्हें बोनस मिल जाएगा, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन करते ही बोनस मिलेगा, डेली बोनस अलग होगा, लाइव बोनस अलग होगा, वीआईपी लेवल के बोनस अलग होंगे और रेफर अ फ्रेंड बोनस अलग होगा। देख रहे हो इतना सारा बोनस है, मैं बोनस बोलते बोलते थक गया। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था कैरिमिनाटी को लेके कि कैरिमिनाटी की वीडियोस में कुछ ये चीजें हैं जो कि मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आती है, वो मेरा अपना ओपिनियन था जो कि मैंने अपनी वीडियो में रखा। नहीं एक बात बता मेरे को, तुझे इस दुनिया में कोई यूट्यूबर सही लगता है? किसी का नाम खराब है, किसी का चैनल खराब है, किसी का कंटेंट बेकार, किसी का लौड़ा बेकार, किसी का लहसन बेकार है? नहीं मैं यकीन से कह सकता हूँ ये वही लौंडिया है जो फेसबुक पे पोस्ट डालती है रोते हुए फोटो डाल के कि मुझे सब लड़कों ने धोखा दिया है। अबे कौन बोलता है तुझको सब लड़कों का लेने के लिए, मेरा मतलब है सब लड़कों को ट्राई करने के लिए। अब इतना ही तू सब लौंडों से नफरत कर रही है तो मुझको तू ये बता कि तू शादी किससे करेगी, किसी लड़के से करेगी या फिर तेरे लिए वो गाना बैकग्राउंड में बजा दूं मैं।
समझ रहे हो ना। प्लीज गिव मी सम टिप्स। और फिर आगे इन्होंने क्या लिखा है तो आप ये खुद ही पढ़ सकते हैं। मतलब अरे मेरे से टिप्स मांग रही है बहन, तुमको देखो टिप्स चाहिए तो ऐसे बहुत सारी वीडियो तुमको मिल जाएगी, यूट्यूब पे जाके देख लो। नहीं, इसके पापा बाहर रूम से आवाज लगाते होंगे कि बेटा क्या कर रही हो, और ये बोलती होगी पापा मैं बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रही हूँ। लेकिन पापा को क्या पता कि इसने आधे से ज्यादा यूट्यूबर को मार दिया है, एक्सपोज कर दिया है, उनसे धमकी ले ली, उनको जेल पहुंचा दिया है। नहीं, इसके पापा और इसके गांव वाले सिर्फ ये सोचते होंगे कि लड़की कमरे में बैठ के हमारा नाम रोशन करेगी, उन्हें क्या पता बदनाम कर डाला है। पापा भी छुप छुप कर बहुत रोएंगे, मैं कुछ ना कर सका यह कहकर खुद को कोसेंगे। सबसे मेन चीज पता है क्या भाई, कि ये लड़की है, यानी उल्टा सीधा ना भी बोला तो भी ये यही दिखाएगी कि उल्टा सीधा बोल दिया, इसको रेप थ्रेट दिए, इसको मारने की धमकी दी है। तू एक काम कर, तुझे जो समझ में आ रही है अपने आप को वो गाली दे दे, मैं तो नहीं दे सकता, तू खुद तो दे सकती ना अपने आप को, चल शुरू हो जा। साली कुतिया, भड़वी साली, कंटेंट चोर साली। काफी सारे लोग शक्ल वगैरह के बारे में बोलते हैं कि गंदी शक्ल है, जो भी है उससे भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो दिक्कत होगी क्यों, दिक्कत तो उनको होती ना जिनकी शक्ल अच्छी हो, जिसने अपने फेस पे 4 किलो का मेकअप पोत रखा और उसके बाद लोग बोल दे कि तू बहुत ही गंदी दिख रही है, तो दिक्कत उसको होगी, तुझे क्यों दिक्कत हो रही है। नहीं यार, इसे देख के ना 2 लाइन कहना चाहूंगा, किसकी आंखें गवाह है, किसकी रातें तबाह है। एक्चुअली बताओ तो फर्क नहीं पड़ता, और लाइक डिसलाइक तो मैं देखती ही नहीं हूँ, कितने लाइक कितने डिसलाइक आए हैं लोग बताते रहते हैं कमेंट में, देखो लाइक से ज्यादा डिसलाइक है। भैया हम तो देखते भी नहीं है, आप हमसे ज्यादा हमारे चैनल पे नजर रखे हुए हैं। हाँ, तभी तो तूने हाइड कर रखे हैं लाइक और डिसलाइक। एक बार ना अपनी मम्मी को ये अपना लाइक डिसलाइक और कमेंट सेक्शन दिखा देना, तेरे सर पे इतनी तेज चप्पल पड़ेगी कि पतझड़ से भी ज्यादा तेज तेरे बाल झड़ने लग जाएंगे। नहीं मतलब वीडियो पिटे तो पिटे, लेकिन होठों की लाली ना घटे। अरे ना ना ना, ये गाना इसके लिए कहाँ है, ये तो मुंह से जहर उगलती है, इसके होठों पे तो जहर होगा, इसके लिए तो वो जहरीली चुम्मी नादिर खान जान की होगी। नहीं देख रहो, ये बंदी YouTube से सबके चैनल डिलीट करवा के रहेगी, लेकिन KRK की सगी बहना, अगर YouTube से सारे चैनल डिलीट भी हो जाएंगे ना, तेरा अकेला चैनल बचेगा तब भी तेरे को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। कमेंट सेक्शन में आ रही होंगी तो सिर्फ और सिर्फ गालियाँ, साली कुतिया, क्योंकि तू वो लंगड़ी घोड़ी है जो रेस में भागेगी ना तब भी लास्ट आएगी। अच्छा तू मुझे ये सब बता कि तू आखिर ये सब करती क्यों है, दूसरे यूट्यूबर का नाम थंबनेल में डाल के और उसके बाद अनाप शनाप लिख देती जो तेरे मन में आता, क्यों करती तू ऐसा। जब मैंने उन वीडियोस में क्लिकबेट करना शुरू किया उसके बाद मेरे को उन वीडियोस पे व्यूज मिले, ठीक है ना। उसके बाद अभी जो ये मैंने थोड़े रिसेंट की वीडियोस बनाई है ना, इसमें मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है, क्यों, क्योंकि लोगों को ये देखना है। लो भैया केस सॉल्व हो गया, अब तुम लोग को क्या बताऊं, इसको क्या एक्सपोज करें, इसको क्या रोस्ट करें। अब मैं तुम लोगों से कहता हूं कि मेरे भाई लोग देखो, साफ सी बात सुनो, इग्नोर मारो, समझ रहे हो, वीडियो तुम्हारे पास है उसको नॉट इंटरेस्टेड कर दो, अगर तुम्हारे होम पे आ रही है। भाई मैं हद से हद बता रहा हूँ, 2 या 3 हफ्तों में इसका चैनल पूरा डेड हो जाएगा, खत्म, कुछ नहीं करना दूं मैं। क्योंकि मैंने उस वीडियो में सारी की सारी बातें सच बोली थी आशीष चंचलानी के चैनल को लेके, क्योंकि अगर मैंने उस वीडियो में ऐसे ही फालतू की बातें करी होती या सारी बातें झूठ बोली होती तो लोग मुझे ये सोच के इग्नोर कर देते, उनके फैंस वगैरह, कि चलो इसका तो रोज का ये तो कुछ भी बोलती रहती है, इसके बातों में कोई सच्चाई नहीं है, इसे इग्नोर करो। बट स्टिल लोगों ने उस पे रिएक्ट किया, वीडियो पे लोग गुस्सा हुए, इसका मतलब वीडियो में सारी बातें सच थी। अरे बस यार मेरे से अब नहीं होगा, मैं जा रहा हूं बहन। बस यार आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो तुम लोग को पसंद आई होगी, और पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है, कौन सा पार्ट तुम्हारा फेवरेट था, और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्त लोगों के साथ, शेयर भी कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मेरी और भी वीडियोस पड़ी हैं उनको भी देख लेना। तो चलो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, आगे बढ़ते हैं। माँ चोद दी खटखट करके भोसड़ी पड़ोसियों ने, मादर चोद, अरे आमिर मिस्त्री तेरी बहन आ गई है, संभाल इसको। अरे नहीं, वहां उज्जवल को पता ही नहीं है कि वो मर चुका है यार, वो तो वीडियो डाल रहा, जाओ कोई उज्जवल को बताओ भाई कि वो मर चुका है, उसे पता ही नहीं शायद कि वो मर चुका है यार। मतलब आजकल क्या जमाना आ गया, लोग मर जाते उन्हें पता ही नहीं चलता है, और यार वो यूट्यूब पे वीडियो डालते रहते हैं। गज मारी कम रखता जिंदगी में टंटा नहीं, कौन क्या बोलता मेरे बारे परवाह मुझे घंटा नहीं, कोई समझा नहीं इसलिए मैं ये समझाने आया हूँ, ये 5 साल की मेहनत है अब जो कुछ भी मैं पाया हूँ। जरूरत इच नहीं है, जरूरत इच नहीं है, ये सबकी अपने को जरूरत इच नहीं है, सोने को इनके पास करवट इच नहीं है, अच्छी खासी इनकी परवरिश।